भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र की लाइफलाइन कहलाए जाने वाली आलमपुर हारसी पतन सड़क मार्ग के सुधारीकरण के लिए 31 करोड़ 63 लाख रुपए की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सरकार से मिल गई है। 26 किलोमीटर लंबे इस सड़क मार्ग का प्रयोग जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र की 70% जनता करती है, इसलिए इसे जयसिंहपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। इस सड़क मार्ग के सुधारीकरण के लिए पिछली सरकार के समय से प्रयास शुरू हो गए थे और पहले वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसे बनाने की बात चली थी, लेकिन बाद में यह बात ठंडे बस्ते में चली गई थी। जब भाजपा सरकार सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पहले ही दौर में स्थानीय विधायक रविंद्र कुमार ने इस सड़क मार्ग को विलेज रोड से मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बनाने की मांग रखी थी। 18 अप्रैल 2018 में इसे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बना दिया गया। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बनाने के बाद भी सड़क की हालत बेहद खस्ता थी। हालांकि पिछले एक वर्ष से सड़क की हालत में थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन लोगों की मांग इसे झूंगा देवी भवारना सड़क की तर्ज पर बनाने की थी। इस सड़क के सुधारीकरण के लिए स्थानीय विधायक रविंद्र कुमार पर भी जनता का काफी दबाव था। कुछ समय पहले हारसी पंचायत में हुए एक कार्यक्रम के दौरान विधायक ने यहां तक कह दिया था कि अगर इस सड़क का काम शुरू नहीं हुआ तो वह अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब सीआरएस से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलने से इस सड़क मार्ग के बनने का रास्ता साफ हो गया है। विधायक रविंद्र धीमान ने कहा कि इस सड़क के सुधारीकरण का कार्य उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री और विभागीय अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए जयसिंहपुर से मुनीश सूद।